ये देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एकदम इंस्टेंट सांभर बनाई है। इस सांभर में आपको बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी, आप इसको आधे घंटे में आराम से बना लोगे। और उसी आधे घंटे में दोस्तों आप ऐसी इडली बना पाओगे जिसको आप पूरी तरीके से दबा भी दो ना, निचोड़ भी दो, तब भी वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करेगी। इतनी सॉफ्ट बनेगी दोस्तों ये इडली, और ये सारा काम आप इंस्टेंटली बहुत आराम से कर लोगे। तो इस रेसिपी को बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको दोनों रेसिपी साथ साथ बताऊंगा और इसी प्रोसीजर को आपने फॉलो करके रेसिपी बनानी है। मैंने सबसे पहला काम ये किया है कि इमली ली है और इमली को गर्म पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया है। अगर आपके घर में दोस्तों इमली नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का यूज भी कर सकते हो या आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका अमाउंट जरूर बता दूंगा ताकि आपको आसानी हो। हाँ, लेकिन अभी इमली को भिगाने के बाद आप यहाँ पर दूसरा स्टेप ये जरूर करना, वो ये है कि इडली की तैयारी करनी शुरू करनी है। मैंने यहाँ पर दोस्तों सूजी की इडली बनाई है, लेकिन सूजी की इडली की कोई नॉर्मल रेसिपी नहीं है ये। इसमें मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो सच में आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। आप 2 कप सूजी लेना। अगर आप यहाँ पर मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको मिक्सी में थोड़ा सा चला लेना, ग्राइंड कर लेना, ताकि फाइन हो जाए और हमारी इडली एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर आए। सूजी में आप सबसे पहले नमक जरूर डालना और नमक के साथ साथ चीनी जरूर डालना, बहुत इम्पोर्टेंट है। चीनी ना सिर्फ फ्लेवर देती है लेकिन मॉइस्चर को भी होल्ड करके रखती है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा मेरा डिफरेंस आता है रेसिपी का, वो ये है दोस्तों कि आप जितनी सूजी लोगे उतनी ही आप दही लेना। 2 कप मैंने यहाँ पर सूजी ली है तो 2 कप ही दही ली है मैंने, और इसको अच्छे से फेटा है। पानी बिल्कुल नहीं डालना है दोस्तों, बस दही के साथ आप सूजी को अच्छे से फेटना और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना लगभग आधे घंटे के लिए। बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों, सूजी की इडली इतनी सॉफ्ट बनकर आएगी कि सच में आपको याद रहेगी। चलो ये तो हो गई इडली की तैयारी। अब सांभर के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर दाल को भिगाया है और मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक इंडिया की तूर दाल का इस्तेमाल किया है। अब दाल को 2 से 3 बार अच्छे से धोना और इसको 5-10 मिनट के लिए भिगा लेना। जब तक मैंने यहाँ पर सांभर के लिए सारी सब्जियों को काट लिया है। मैंने यहाँ पर दोस्तों सांभर में प्याज का इस्तेमाल किया है और प्याज को 2 तरीके से काटा है, एक बड़ा बड़ा और एक एकदम फाइनली स्लाइस किया है। बड़ा बड़ा इसलिए किया है ताकि वो मद्रासी अनियन या शैलट्स जैसे लगे। इसके साथ साथ आप 2 टमाटर लेना, थोड़ा सा कद्दू मैंने लिया है, घिया भी लिया है, गाजर को मैंने बड़ा बड़ा काटा है और बीन्स ली है। सब्जियों के बिना सांभर बिल्कुल अधूरी है दोस्तों, तो आप यहाँ पर और भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि ड्रमस्टिक्स का, बैंगन का, या जो आपको पसंद हो। सारी सब्जियों की क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बार में लिखी हुई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जितनी देर में आप कटिंग चॉपिंग करोगे उतनी देर में आपकी दाल भी भीग जाएगी। तो आप यहाँ पर कुकर में दाल का पानी सारा स्ट्रेन करके डालना, दाल के साथ साथ नमक डालना, हल्दी डालना, 3 कप पानी डालना और थोड़ा सा तेल जरूर डालना, और यहाँ पर हाई फ्लेम पर आप 3 सीटी लगा लेना। बहुत ही फटाफट सीटी आ जाती है दोस्तों, और सीटी आने के बाद जब तक आपका कुकर ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर सब्जियों को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। आपने देखा ना यहाँ पर सारी चीजें कैसे मैं एक साथ साथ आराम से करते जा रहा हूँ और बिल्कुल इंस्टेंटली काम हो रहा है। पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, इसमें आप वो जो पतले वाले प्याज काटे थे ना हमने स्लाइस करके, वो डालना और प्याज को हल्का सा कलर आने तक रोस्ट करना, यानी कि कलर चेंज हो जाना चाहिए, ट्रांसलूसेंट हो जाना चाहिए प्याज। ये देखो दोस्तों इस स्टेज तक, जैसे ही प्याज इस स्टेज पर आ जाए आप यहाँ पर टमाटर डाल देना, और आपको तो पता ही है कि जैसे ही टमाटर आएंगे वैसे ही आपने नमक डालना है। तो नमक डाल के आप यहाँ पर थोड़ी देर भुनाई कर लेना जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। जैसे ही आपके टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, हल्के से सॉफ्ट होने चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा पकाना है, थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालना, साथ में 2 टेबलस्पून सांभर मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल मत भूलना। और ये मसाला जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी डाल देना। यहाँ पर आपको भुनना है, जलाना बिल्कुल नहीं है दोस्तों मसाले को, क्योंकि सांभर का सारा फ्लेवर ही इस मसाले में है। तो थोड़ी देर भुनने के बाद आप यहाँ पर सारी कटी हुई सब्जियां डाल देना और उनको मुश्किल से 3 से 4 मिनट रोस्ट कर लेना हाई फ्लेम पे। ऐसे रोस्ट करने से
जब आप कुकर में सीटियां लगाओगे तो आपकी सब्जियां फटेंगी नहीं, वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखेंगी और इनका फ्लेवर भी और निकल कर आएगा। बस दोस्तों, जैसी सारी भुनाई हो जाए एकदम एंड में आप वो मोटे मोटे कटे हुए प्याज डालना, ताकि इन प्याज का टेक्सचर एकदम बना रहे, और इन सब्जियों को साइड कर देना। इतनी देर में कुकर भी पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा। मैं देखो आपको खोल के दिखाता हूँ, दाल बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुकी है दोस्तों, एकदम सेट है हमारी दाल। तो अब आप यहाँ पर इसमें सारी सब्जियाँ ट्रांसफर कर देना जो आपने भुनी थी, एक भी बूंद मसाला मत छोड़ना, सारा फ्लेवर तो इसके अंदर ही है ना। चाहो तो आप थोड़ा पानी डाल के भी निकाल सकते हो। और सब्जियों के अलावा सांभर कैसी अच्छी लगती है, थोड़ी सी खट्टी मीठी। तो मीठे के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक इंडिया के जागरी पाउडर का इस्तेमाल किया है। गुड़ के पाउडर सबसे बेस्ट टेस्ट देगा दोस्तों, यहाँ पर चीनी वीनी का यूज प्लीज मत करना। और गुड़ के साथ साथ यहाँ पर आपको इमली भी डालनी है। तो इमली जो है वो हमारी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, आप इसको हल्का सा चलाओगे तो उसका सारा पल्प निकल जाएगा। तो इस पानी को आप स्ट्रेन कर देना और अच्छे से इमली निचोड़ लेना इससे। अभी मैंने यहाँ पर आधा पानी डाला है, पूरा पानी नहीं डाला है, और ढक्कन लगाकर गैस को ऑन कर दिया है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर दो सीटी और लगानी है। अगर आप चाहते हो कि सब्जियां सॉफ्ट रहे लेकिन अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर दो सीटी लगाना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सब्जियां सारी मिशमैश हो जाए, सांभर के साथ पूरी तरीके से मिल जाए, तो आप यहाँ पर 3-4 सीटी लगाना, सारी सब्जियां घुल जाएंगी। अच्छा, इतनी देर में जब तक सांभर की सीटी आ रही है, तब तक हम यहाँ पर इडली भी सेट कर लेते हैं। इडली बनाने से पहले सबसे पहला काम दोस्तों ये है कि जो इडली का जो सांचे हैं आप उनमें तेल लगा देना, लेकिन ये प्रिपरेशन जरूर करके रखना। मैंने यहाँ पर इडली स्टीमर को भी पानी डाल के गर्म करने के लिए छोड़ दिया है, ताकि मैं जैसे ही इनो डालूं वैसे ही फटाफट मैं ट्रांसफर कर पाऊँ। फिर आप यहाँ पर बैटर को देखना, सूजी बहुत अच्छे से फूल जाएगी और बैटर बहुत थिक होगा। तो अब आप इसमें थोड़ा सा पानी डालना, आधा कप काफी होगा, ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, नहीं तो आपकी इडली एकदम फ्लैट हो जाएगी। सूजी की इडली अगर आपको सही बनानी है दोस्तों, तो उसका बैटर एकदम थिक होना चाहिए, और पानी डालने के बाद आप इसको 5 मिनट तक लगातार फेंटना जरूर। ऐसे लगातार फेंटने से दोस्तों सूजी का जो प्रोटीन का नेटवर्क है वो डेवलप हो जाता है, और उसमें वो एबिलिटी आती है कि वो हवा को ट्रैप कर पाए, यानी कि रोक पाए, जिससे कि आपकी इडली सॉफ्ट बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना दोस्तों इस बात का, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर बस आप यहाँ पर एंड में 1 चम्मच तक इनो डालना, उसको अच्छे से फेंटना, और सारे सांचों में थोड़ी थोड़ी इडली का बैटर ट्रांसफर करके इसको स्टीम करने के लिए छोड़ देना लगभग 15 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पर छोड़ना। एक साइड कुकर की सीटी आ जाएंगी, 2 सीटी के बाद गैस बंद कर देना, तो कुकर भी ठंडा हो रहा होगा और आपकी इडली भी स्टीम हो रही होगी। और जब तक ये चीजें पक रही हैं, तब एकदम बेस्ट टाइम है कि मैं अपनी ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी पी लेता हूँ। ऑर्गेनिक इंडिया के साथ 25 सालों से हजारों फार्मर्स जुड़े हुए हैं, और ऑर्गेनिक इंडिया का बेस्ट पार्ट ये है कि ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट, जो कि केमिकल और पेस्टिसाइड्स फ्री हैं, वो हम तक पहुंचाते रहे हैं। ग्रीन टी के बाद तो एकदम रिफ्रेश हो गया, और अब मैं आपको इडली का ढक्कन खोल के दिखाता हूँ। बस दोस्तों 15 मिनट के बाद आप गैस बंद करना, और आपकी इडली बन के तो पूरी तैयार हो जाएगी। आप यहाँ पर स्टीमर से निकाल के इडली को ठंडा होने देना, और जब तक हम सांबर में बढ़िया सा तड़का लगा लेते हैं। सांबर भी पूरी सेट है दोस्तों, आप बस थोड़ा सा तेल लेना, तेल में आप यहाँ पर हींग डालना, हींग के साथ साथ जीरा, मस्टर्ड सीड्स, मेथी दाना मत भूलना, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें मैंने डाली है, और भर के करी पत्ता। करी पत्ता डालते वक्त थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, उसमें पानी होता है तो आग जरूर लग सकती है अगर बहुत हाई फ्लेम हो। तो बस जैसे ही तड़का एकदम बढ़िया खुशबूदार हो जाए, अब सीधा ही इसको सांबर में डालना, और फिर देखना दोस्तों जो स्वाद आएगा ना सांबर का, सच में आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों, इतनी टेस्टी सांबर बनती है। इस टाइम पे दोस्तों आप ट्राई जरूर करके देख लेना। मेरे को थोड़ा सा नमक कम लगा और मेरे को खटास कम लगी, इसलिए मैंने यहाँ पर बाकी बचा हुआ इमली का पानी भी डाल दिया है, और सांबर इतनी गाढ़ी नहीं, थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पर पानी और डाल दिया है और इस सांबर को सेट कर दिया है। एकदम बढ़िया सांभर है दोस्तों, थोड़ा पतला ही रखना, क्योंकि जैसे ही थोड़ी ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। और इडली, मैं आपको इडली निकाल के दिखाऊं तो दोस्तों एकदम परफेक्ट, एकदम सॉफ्ट इडली बनकर आती है। पूरी जान से भी दबा दोगे ना, तब भी एकदम बढ़िया, एकदम नरम बनकर आएगी। आप दोस्तों ये इडली सांभर की कम्प्लीट मील ट्राई करके देखना,
इंस्टेंटली तो बनेगी लेकिन घर में सबको बहुत पसंद आएगी, सब्जियों से भरपूर है और एकदम हेल्दी रेसिपी है। ये तो दोस्तों एकदम अमेजिंग इंस्टेंट इडली सांभर की रेसिपी है ही, लेकिन क्या आप जानते हो कि बाजार में डोसा कैसे बनाया जाता है? दोस्तों मैंने ये डोसा की रेसिपी बनाई है और इसमें मैंने सालों मेहनत करी है और तब जाके पोस्ट करी है। आप ये जरूर देखना, आपका डोसा एकदम परफेक्ट बनेगा।